नमस्कार, खबर समेत जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रामगंज में जी 5 साल के मासूम की करंट लगने से मौत, अर्थिंग तार से बच्चे को लगा करंट, 5 लाख के मुआवजे का भरोसा। रामगंज मंडी में रविवार देर शाम को बिजली विभाग की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। 5 वर्षीय बालक बिजली पोल पर अर्थिंग लाइन की चपेट में आ गया, बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन बालक को CHC रामगंज मंडी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे की जांच कर मृत घोषित कर दिया। मामला क्षेत्र के खेराबाद कस्बे की बेरवा बस्ती का है। ग्रामवासियों ने सरपंच पर भी आरोप लगाए, पहले भी हो चुके हादसे, सरपंच को कई बार बोला लेकिन नहीं दिया सरपंच ने ध्यान। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी 2 गाय करंट से मर चुकी, लेकिन सरपंच ने कभी ध्यान नहीं दिया। समय पर कार्रवाई होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एस्टीमेट बना के दिया कि भाई ये पैसा जमा करो तब पोल हटेगा, और एक दो बार जयन साहब आए कि वहाँ गाड़ी जाने का पाइना बनाया गया कि भाई गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है कि वहाँ, जबकि आम रास्ता है जाने आने का। उसको मृत घोषित कर दिया, तो उसमें सीधा सीधा ये है कि वहाँ के ग्राम पंचायत को भी कई बार उन्होंने कभी सूच नहीं ली। तो ग्राम पंचायत को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, गाँव में जहाँ जहाँ भी लोहे के पोल है तो उनको हटाने की व्यवस्था करना चाहिए, RACP को कहना चाहिए। तो ये टोटल मिला के लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई, तो ये अपूर्ण क्षति उस परिवार के लिए। तो हम सभी लोग यहाँ आए हैं, मांग कर रहे हैं भी इनको उचित मुआवजा मिले, RACP से, सरकार से, जो भी है हम सब लोग यहाँ हैं, सब बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, इनसे चल रही है बातचीत, कार्रवाई चल रही है। अच्छा, अभी तक RACP का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा है, तो क्या कहेंगे इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही RACP विभाग की? RACP की लापरवाही तो निरंतर है, गांव वालों ने ग्रामीणों ने पहले भी RACP को दे रखा है, ऑनलाइन शिकायत भी कर रखी है, बाकी कोई आता नहीं है, ध्यान देता नहीं। आज उनकी लापरवाही की वजह से मृत्यु हो गई मासूम की, तो बस बैठे हैं सब, फोन बंद कर रखे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई आया नहीं, परेशान हो रहे हैं सब लोग यहाँ गाँव के, काफ़ी लोग, काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद थे सब लोग अस्पताल के अंदर, बात कर रहे हैं भाई, कोई सुनने के लिए तैयार हुए। खैराबाद का निवासी हूँ, समाज सेवा का अधिकतर कार्य जहाँ भी कोई जन बात जाती है पहुँच जाते हैं तत्काल। कई बार वहाँ पर जानवर भी मर चुके हैं, इसके लिए पंचायत द्वारा वहाँ लिख के दिया था, लेकिन पंचायत ने ओनली फॉर्मेलिटी की है, पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके लिख के दे दिया, लेकिन जब उनकी तरफ से एस्टिमेट आया तो एस्टिमेट जमा नहीं किया। अगर आज एस्टिमेट जमा कर देते तो एक बच्चे की जान नहीं जाती। किसने जमा नहीं किया? ये सरपंच साहब ने एस्टिमेट जमा नहीं किया। तरफ से वहाँ पर एस्टिमेट आया था पंचायत को, पंचायत ने लिख के दिया, पंचायत के बाद एस्टिमेट बन के आया, लेकिन पंचायत ने वो जमा नहीं किया। किसकी लापरवाही? लापरवाही से सरपंच की लापरवाही। गांव के अंदर कोई भी हादसा होता है, कोई भी काम होता है, पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि पंचायत को उस काम को आगे बढ़ के करवाना चाहिए, जबकि वो अगर जनता से जुड़ा हुआ काम है तो उसकी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, बात है, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। अरे पंखा चालू कर दो, पंखा भीड़ थोड़ी, तुम लोग यार उधर जाओ ना थोड़ी देर, हवा है तो करें उधर, वो ये आ रहे हैं बात करके तुम्हारे लिए। कई बार उसमें सूर मर चुके हैं, कई बार कुत्ता कुत्ती मर चुके हैं, और आज की घटनाएं, एक घटना पहले हो चुकी है, एक बच्ची मर गई है, आज की घटना ताजा 5 साल का बच्चा लोहे के पोल के चिपक के मर गया। अब मैं इसकी घटनाएं के जवाबदार कौन, पंचायत है या बिजली विभाग है? दोनों इनके दोषी हैं। हम जब तक हमारा पोल नहीं हटेंगे और बच्चा का जो हरदाना परिवार राशि है वो जब तक नहीं मिलेगी, जब तक हम हड़ताल पे बैठेंगे, और ये विभाग भी अगर नहीं सुनेगा, प्रशासन भी नहीं सुनेगा, तो हम रोड पे आंदोलन करेंगे और हर पब्लिक को वहाँ रोकेंगे, और इसका जवाबदार प्रशासन होगा, बिजली विभाग होगा। हम वो आदमी है, रामगंज मंडी में ही है, ये कोटा थोड़ी है, आपके काले तो ये आपके इसमें होंगे, एक्शन ऑफिस, ये रहा एक्शन ऑफिस 500 फीट की दूरी पर। अरे ला रहा है, चेक नहीं है, अरे तो चेक मंगा लो,
सभी जगत न्यूज के लिए रामगंज मंडी से पप्पू गौड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।